जय श्री बालाजी। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष महाशिवरात्रि किस विशेष शुभ समय पर मनाई जाएगी और कौन सी पूजा विधि और विशेष उपाय आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं? आइए इस रहस्यमयी ज्ञान को उजागर करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इस पावन पर्व को और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मना सकते हैं। शुभ मुहूर्त और पूजा का समय 2024 की महाशिवरात्रि माघ मास की चतुर्दशी तिथि पर विशेष शुभ मुहूर्त में मनाई जाएगी। इस दौरान निशीथ काल में पूजा की अवधि करीब 48 मिनट की होगी, जो कि शिव पूजा के लिए सर्वोत्तम समय मानी जाती है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पूजन विधि का विस्तार। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा की विधि एक गहन और श्रद्धा भरी प्रक्रिया है, जिसमें शिवलिंग पर विविध प्रकार की पवित्र सामग्री चढ़ाई जाती है। पूजा आरंभ करने से पहले भक्तों को व्रत रखना चाहिए और पवित्रता के साथ निम्नलिखित क्रम से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले पवित्र स्नान करना चाहिए। पूजा करने से पहले एक पवित्र स्नान करें, जिसमें मन और शरीर शुद्ध हो जाए। दूसरा, संकल्प। पूजा का संकल्प लें, जिसमें आप अपने उद्देश्य और शिव के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करें। तीसरा, शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद चंदन या रोली का चावल और फूल अर्पित करें। चौथा, धूप और दीप अर्पण करने चाहिए। धूप दीप जलाकर शिवलिंग के समक्ष रखें, जिससे पूजा स्थल पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भर जाए। नैवेद्य अर्पण करें, फल अर्पण करें, मिष्ठान और अन्य प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। आरती और प्रदक्षिणा, शिवलिंग की आरती करें और यदि संभव हो तो प्रदक्षिणा भी करें। पांचवा आता है मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप भगवान शंकर के समक्ष बैठकर आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष उपायों की, जिससे जीवन की विभिन्न समस्याओं से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। शहद से अभिषेक। अगर भगवान शिव का शहद से अभिषेक करते हैं तो स्वास्थ्य में आ रही समस्या से आप अवश्य छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो आपको शहद से अभिषेक जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने और घर के मुख्य द्वार पर श्री लिखने से धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पूजा के समय ध्यान देने योग्य बातें। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कुछ विशेष नियमों और प्रथाओं का पालन किया जाता है, जिन्हें भक्तों द्वारा विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि तुलसी का उपयोग भगवान शंकर के लिए वर्जित है। शिव पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव को प्रिय नहीं है। दूसरा, केतकी के फूल। भगवान शंकर की पूजा में केतकी के फूलों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, जिसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। तीसरा, कुमकुम और हल्दी का आपको कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवजी की पूजा में कुमकुम और हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामग्री वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और शिव एक योगी हैं। नारियल पानी और काले वस्त्र का उपयोग न करें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए और काले वस्त्र पहनकर पूजा
आपको नहीं करनी चाहिए। टूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें। भगवान शंकर पर पूजा करते समय अखंडित चावल होने चाहिए, जो खंडित ना हो। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। महाशिवरात्रि का यह उत्सव न केवल आध्यात्मिक शक्ति जागृत करता है, बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल करके अपने प्रश्नों का उत्तर हमसे मांग सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।